हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास DIY चैनल और मैं हूँ प्रिया। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ फेस्टिवल सीजन के लिए एक अमेजिंग फेस स्क्रब और फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ, जो आपको फेशियल करने के बाद वाली फीलिंग देगा। ये ना कि सिर्फ फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसे डार्क अंडर आर्म्स, नेक, बैक या फिर फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सन टैन, ब्लेमिशेस, अनइवन स्किन टोन या फिर किसी भी तरह के दाग धब्बों को दूर करके आपकी स्किन को फेयर, ग्लोइंग एंड सपल बनाता है। तो सबसे पहले स्क्रब बनाने के लिए एक बाउल लेकर इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून ओटमील यानी कि ओट्स। ओट्स स्किन से डर्ट और पोल्यूशन को दूर करता है। फिर ऐड करें 1 टेबलस्पून हनी। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, साथ ही ये स्किन को एक हेल्दी ग्लो भी देता है। फिर ऐड करें 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर और लास्ट में 1/2 लेमन जूस। सभी चीज़ों को मिला लें और इसे अपने फेस या फिर बॉडी पे लगा के 5 मिनट ऐसे ही रहने दें और फिर 2 मिनट तक जेंटली सर्कुलर मोशन में स्क्रब करके इसे वॉश कर लें। सेकेंड स्टेप है फेस पैक। इसके लिए एक बाउल में 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करें। आप चाहें तो इसकी जगह मुलेठी पाउडर या फिर राइस फ्लावर का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिर ऐड करें 1 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही, 2 से 3 आलमंड्स को ग्राइंड करके बनाया हुआ पाउडर, 1/2 to 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर और लास्ट में 1/2 टेबलस्पून लेमन जूस। सभी चीज़ों को मिला के एक गाढ़ा फेस पैक रेडी कर लें और इसे फेस एंड नेक को अच्छे से कवर करके लगा लें। ये मास्क 2 टाइम्स अगर आप वीक में लगाएंगे तो आपके कितने भी पुराने दाग धब्बे, ब्लेमिशेस या फिर सन टैन हो तो वो दूर हो जाएंगे और स्किन बहुत ही हेल्दी, फेयर एंड ग्लोइंग बनेगी। तो अब 20 मिनट बाद इसे वॉश करके मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लें। सो फ्रेंड्स, आज ही इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसे रिजल्ट मिले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला एक भी वीडियो आप मिस ना करें।